नमस्कार स्टार अभी तक चैनल में आपका स्वागत है। खबर राधानगर से। बुधवार की देर शाम राधानगर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बरहरवा थाना क्षेत्र के प्रोफेसर कॉलोनी कर प्रतिबंधित लॉटरी सरगना मुजमिल शेख को गिरफ्तार किया है। उक्त मामले को लेकर एसडीपीओ राजमहल प्रदीप उराम ने गुरुवार को थाना प्रभारी कक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी है। यह गिरफ्तारी पुलिस की एक बड़ी सफलता बताई जा रही है। एसडीपीओ ने बताया कि राधानगर थाना प्रभारी राकेश कुमार को गुप्त सूचना मिली थी कि राधानगर थाना कांड संख्या 19-22 के लॉटरी रेगुलेशंस अभियुक्त मुजमिल शेख अपने आवास पर है। त्वरित इसकी सूचना थाना प्रभारी के द्वारा वरीय पदाधिकारी को दिया गया। वरीय पदाधिकारी के निर्देशानुसार एक छापेमारी दल गठित करते हुए बरहरवा थाना पुलिस के सहयोग से राधानगर थाना प्रभारी राकेश कुमार अपने पुलिस टीम मुजमिल शेख के घर में छापेमारी की। छापामारी में काफी मात्रा में अवैध लॉटरी भी बरामद की गई। इस संबंध में एसडीपीओ बरहरवा ने और क्या कहा, चलिए उन्हीं से सुनते हैं। 19/7/23 को थाना प्रभारी राधानगर राकेश कुमार को गुप्त सूचना मिली कि राधानगर थाना कांड संख्या के 19/22 के फिरारी अभियुक्त मुजमिल शेख पिता सूरत अली जो बरहरवा का रहने वाला है और उसका गिरफ्तारी वारंट इशू हुआ था माननीय न्यायालय से, उसी वारंट के आलोक में थाना प्रभारी को सूचना प्राप्त हुई कि वो अपने घर में रह रहा है और बरहरवा पुलिस के सहयोग से और थाना प्रभारी खुद और इनके सशस्त्र बल और पदाधिकारी के सहयोग से उनके घर में तलाशी लिया गया। तलाशी के क्रम में वहाँ पर कुछ सामानें बरामद हुई है जो लिस्ट में निम्न प्रकार है और उनको विधिवत रूप से गिरफ्तारी की गई है और गिरफ्तारी कर माननीय न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। इनका आपराधिक इतिहास देखा गया तो टोटल मुजमिल शेख के लिए 5 कांड रजिस्टर्ड है जिसमें 3 कांड राधानगर थाना का है और 2 कांड बरहरवा थाना का है। बरामद सामान की सूची है नागालैंड स्टेट लॉटरी का विभिन्न कंपनियों का अवैध लॉटरी टिकट बंडल जिसकी अनुमानित मूल्य लगभग 3.5 लाख रुपया है। अवैध टिकट से संबंधित 2 लेखा जोखा रजिस्टर है और एक पुराना एचपी लेजर जेट प्रिंटर मिला है और उनको सभी को विधिवत रूप से जब्त की गई है और इनको गिरफ्तार कर कस्टडी में भेजा जा रहा है।